संस्काराधीन में बाबा महाकाल की शाही सवारी यात्रा। जबलपुर में संस्काराधीन में आज सावन के द्वितीय सोमवार को जहां एक तरफ संस्काराधीन कांवड़ यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरी तरफ उज्जैन बाबा महाकाल जी के तर्ज पर संस्काराधीन में बाबा महाकाल की शाही सवारी यात्रा निकाली गई, जिसमें जबलपुर के शहर की जनता का भारी संख्या में सहयोग मिला। शासन प्रशासन ने चौक और व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की संस्कार धानी मध्य प्रदेश का गौरव है, जहां मां नर्मदा साक्षात विराजमान है और मां नर्मदा के पावन स्वरूप के दर्शन कर सभी को सुबह पहले संस्कार कांवड़ यात्रा लगभग 32 किलोमीटर 50,000 लोग निकले। मां नर्मदा का जल और पौधा लेकर और कैलाश धाम में मां नर्मदा का जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पण किया और पौधारोपण किया। वहां पर अभी शाही सवारी, भगवान गुप्तेश्वर की शाही सवारी निकल रही है। हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, महसूस करके गौरव होता है कि यह संस्कार धानी भी है और धर्म धानी भी है। इसी तरीके से आस्था का ये धर्म, हमारे धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, ये निरंतर बढ़ती रहे। लोग धर्म के प्रति लोगों का रुझान रहे और धर्म पताका लेकर लोग अपने अपने धर्म को लेकर चले, यही सबसे बड़ी भावना है। और आज बड़ा खुशी का माहौल है, 2 साल के कोरोना के बाद हम अपनी यात्राएं सब निकाल पा रहे हैं। प्राप्त का प्रसाद मिलता है, जहां जनता शाही सवारी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी, वहीं राजनेता भी शामिल शाही सवारी में सम्मिलित होकर भगवान भोलेनाथ। लगातार ये यात्रा निकलती है हर सावन में और हम लोग को सौभाग्य प्राप्त है कि कम से कम हम लोग इस यात्रा का स्वागत करते हैं, क्योंकि पूरा सावन जबलपुर संस्कार धानी पूरा भगवामय हो जाता है, धर्ममय हो जाता है। और आज सभी लोगों को बहुत खुशी की बात है कि आज सुबह कांवड़ यात्रा निकली और उसके बाद हमारी सवारी यात्रा निकल रही है, और इस शाही यात्रा में हम सभी लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम तो यही चाहते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारे शहर को और खूबसूरत बनाए और यहाँ जितने लोग हैं सबको इतना आशीर्वाद दे कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भक्ति में लीन हुए हैं। इसमें मौजूद लोगों में कमलेश अग्रवाल और अन्य नेतागण शाही सवारी में सम्मिलित हुए और आम जनता का उत्साह बढ़ाया। अपडेट मीडिया के लिए जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।